पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। जब राहगीरों ने घायल अवस्था में युवक को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही परिजन भी जिला अस्पताल पहुंच गए। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि कपिल कल सुबह 11 बजे मजदूरी करने के लिए घर से निकला था, जब से नहीं लौटा। आज सुबह 7 बजे इसके दोस्त रवि ने बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती है। परिजनों का कहना है कि हमें नहीं पता कपिल के साथ क्या हुआ है, कपिल का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। अमित दिवाकर घायल जो है कौन है और कैसे घायल हुए? ये हमारे छोटा भाई है, ये सुबह मजदूरी के लिए निकले थे कल 11:30 बजे और आज भाई कौन ड्यूटी नहीं आ पाते घर पे, तो सुबह 7 बजे करीब सूचना मिलती है, हमें फ़ोन आया था हमारे पास कि आपका भाई इस तरह से। किसका फ़ोन आया था? ये हमारे जीजी के फ्रेंड का, उन्होंने बताया था कि आपका ये चालक साहब है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, इनका भर्ती है हॉस्पिटल में, तो इसलिए सुबह 7 बजे सूचना मिली तो हम यहाँ पर आए। कहाँ भर्ती है इस समय? इस टाइम आपके चिकला सकल है जिला अस्पताल में जी। क्या कंडीशन है सर इनके? तो नॉर्मल है, सीटी स्कैन हो चुका है, खतरे से बाहर। कहाँ चोट है इनके? सर में चोट है, खाली मुंह पर चोट आई है फोटो पे। तो जो फ़ोन करा था उसका नाम पता है जिसने जानकारी? वो तो जी को भी पता ही है।